नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने समय समय पर देखा है कि ईवीएम्स को लेकर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर संदिग्धता हमेशा लोग एक्सप्रेस करते हैं कि आखिर ये जो चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं ये कितने भरोसेमंद हैं, क्योंकि जो वीवीपैट स्लिप्स हैं उसका कवरेज अभी पूरा 100% नहीं है। तो क्या चुनाव आयोग को, अगर इस भरोसे की कमी है, तो क्या चुनाव आयोग को कम से कम कोई पुष्टिकरण या स्पष्टीकरण क्या नहीं करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा जो भारत के लोकतंत्र में है वो कायम रहे। अभी एक सिटीजंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 2020 से ही ये मसला चल रहा है कि ईवीएम्स को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि ईवीएम्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यहाँ तक कि वीवीपैट को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब सरकार का आलम यह है कि बजाय इलेक्शन कमीशन किसी बात को लेकर स्पष्टीकरण दे या फिर लोगों का भरोसा ताकि बरकरार रखे, कुछ ऐसा कदम उठाए, क्लैरिफिकेशन दे, सरकार ने अब ये करना शुरू किया है कि कोई भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अगर ईवीएम्स के मैनिपुलेशन को लेकर चलता है तो उसमें एक नीचे वार्निंग आ जाती है कि दिस इज अ फेक वीडियो। सिर्फ वीडियो पे ही नहीं बात है, अगर आप ट्विटर पर कोई पोस्ट लिखते हैं ईवीएम्स को लेकर तो ऐसी पोस्टों को हटाने की कोशिश की जाती है। मेरे पास एक जीता जागता एग्जाम्पल है, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और उन्होंने एक ट्वीट लिखा था और पिनअप कर दिया था ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और उसको पिनअप करके ये लिखा था कि ईवीएम्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वीवीपैट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, चुनाव आयोग चुप क्यों है, सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आता। उस ट्वीट को हटा दिया गया, यानी कि भारत की सरकार ने ट्विटर से कहा कि प्रशांत भूषण के इस ट्वीट को हटा दो। अब इसके क्या मायने हैं, आज हमारे साथ प्रशांत भूषण जी खुद मौजूद हैं बात करने के लिए। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज लॉन्चर पर। और सर, जो ये ट्वीट को हटाया गया, आपके पिंड ट्वीट को हटा दिया गया, ये साफ साफ किस बात का संकेत है जी? ये तो यही दिखाता है कि सरकार ये जो आवाजें उठ रही हैं ईवीएम के मैनिपुलेशन के बारे में और वापस बैलेट पेपर पर जाने के लिए, इससे बहुत घबराई हुई है। और अगर कोई जना इससे घबराता है कि भाई ईवीएम हटाकर वापस बैलेट पेपर ले आइए, तो ऑब्वियसली उसका कुछ मतलब निकलता है, यानी कि जो लोगों के एप्रिहेंशन हैं, जो संदेह है कि भाई ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो और सच लगने लगता है। देखिए, अभी तक जो एविडेंस है वो ये है कि ईवीएम का डिज़ाइन जब शुरुआत हुई थी तब से काफ़ी बार बदला गया है, खासकर वीवीपैट मशीन लगाने के बाद और बदला गया है। अब जो इसका जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादातर वीवीपैट मशीन में है, और जो जहाँ पर वोट रिकॉर्ड होती है, तीन डिवाइसेस होते हैं, एक तो जो ईवीएम में जिस पे लोग बटन दबाते हैं, फिर एक वीवीपैट मशीन जिसमें स्लिप दिखाई जाती है और कहते हैं स्लिप गिरती है लेकिन वो अब दिखाई नहीं जाती गिरती हुई, और तीसरा जो कंट्रोल यूनिट होता है जहाँ पर वोट रिकॉर्ड होती है। अब इनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही है, और यही बात सिटीजंस कमीशन ने बोली कि इसके जरिए मैनिपुलेशन किया जा सकता है। मैं पहले ये मानता था कि अगर वीवीपैट का पूरी काउंटिंग कर ली जाए, अभी तो सिर्फ 2% वीवीपैट मशीन्स की काउंटिंग करते हैं, अगर सारी मशीन्स की वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग कर ली जाए तो उससे मैनिपुलेशन का चांस खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हाल में एक जने थे गुजरात से, उन्होंने आकर हमको दिखाया कि भाई वीवीपैट में बहुत आसानी से मैनिपुलेशन किया जा सकता है, और उसका तरीका यही है, क्योंकि 2017 से इन्होंने वीवीपैट मशीन का जो कांच है वो ट्रांसपेरेंट के बजाय अब बिल्कुल काला कर दिया है, बाहर से आप अंदर देख ही नहीं सकते जब तक अंदर एक लाइट बल्ब ना जले। तो अब होता यह है कि जब आप बटन दबाते हैं तो 7 सेकंड के लिए अंदर से लाइट बल्ब जलता है वीवीपैट मशीन में, और आपको जिस सिंबल पर आपने वोट दिया है वो दिखा दिया जाता है, लेकिन वो पेपर कटता हुआ और गिरता हुआ मशीन में नहीं दिखता। तो प्रिंटर लगा है ना उसमें, उसके बाद आप मैनिपुलेट उसको इस तरह से कर सकते हैं कि जब दो कंसेक्यूटिव
लेट्स से नॉन बीजेपी पार्टीज को किसी ने वोट दिए, और यूजुअली लोग फैमिलीज के लोग साथ में आते हैं कि पार्टी को वोट देते हैं, तब वही जो स्लिप पहले वाले को दिखाई गई थी वही वीवीपैट स्लिप दूसरे वाले को भी दिखा दी जाए, कट के गिरे नहीं वही स्लिप दिखा दी जाए, और उसके बाद एक और स्लिप, जैसे लाइट बंद होती है और बाहर से कुछ नहीं दिखता, एक और स्लिप प्रिंट हो जाए लेट से बीजेपी के लिए। और यही चीज मैंने अपनी पिंड ट्वीट में, जिन साहब ने आकर जिन्होंने ये डमी वीवीपैट मशीन और डमी ईवीएम मशीन और कंट्रोल यूनिट बनाया था, उन्होंने यही चीज आकर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई कि भाई देखिए वीवीपैट में भी आसानी से मैनिपुलेशन हो सकता है। इसलिए जो वोट वीवीपैट में रिकॉर्ड होंगी, जो स्लिप्स गिरेंगी, और जो वोट कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड होंगी, वो मैच तो करेंगी, लेकिन फिर भी दोनों में मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपने पहले वीवीपैट को मैनिपुलेट कर लिया और वहीं से सिग्नल जा रहा है कंट्रोल यूनिट में, तो वो भी मैनिपुलेट हो गया। तो ये एक आसान तरीका है मैनिपुलेशन करने का, और इसीलिए इंडिया अलायंस ने, सारी पार्टीज ने मिलकर एक डिमांड करी है कि भाई आप वीवीपैट की जो स्लिप है जिसमें सिंबल होता है वो वोटर के हाथ में दे दीजिए, बजाय सिर्फ दिखाने के उसके हाथ में दे दीजिए और वो फिर ईवीएम में डाल दे। और इसीलिए सवाल उठता है कि ये जो कांच है वीवीपैट मशीन का, ये काला क्यों किया गया, ये मिरर्ड ब्लैक ग्लास क्यों लगाया गया जिससे आप बाहर से देख ही नहीं सकते कि अंदर क्या हो रहा है। यानी कि सरकार ने एक तरीके से उस जो वीवीपैट का जो बॉक्स है उसको काला इसलिए कर दिया है ताकि एक ऐसा ब्लैक बॉक्स बन जाए जिसमें कि लोगों का लोग सवाल ही ना कर सकें और लोगों को दिखेगा ही नहीं, चुप तो जाहिर सी बात है कि सवाल कोई करेगा नहीं। लेकिन प्रशांत जी, जिस तरीके से आपके ट्वीट को हटाया गया, मोदी सरकार ने ट्विटर को बोला कि आपके ट्वीट को हटा दीजिए क्योंकि वो एक तरीके से सरकार की नजरों में वो एक फेक ट्वीट है, उसी तरीके से जब हम कोई भी वीडियो अगर ईवीएम्स को लेकर सवाल खड़े करते हुए अगर कोई भी वीडियो करते हैं उसमें एक नीचे वार्निंग आती है कि भाई दिस इज फेक इन्फॉर्मेशन। अब अगर इस तरीके का आलम अगर एक लोकतांत्रिक देश में होगा तो आखिर जनता को क्या पता चलेगा और जो चुनावी प्रक्रिया है उसका क्या होगा? ऑलरेडी क्या मोदी जी ये मानकर बैठ गए हैं कि भाई अब तो ना इस पे सवाल खड़े किए जाएंगे, ना इस पर कोई बोलेगा, ना अदालत बोलेगी, हम जैसे चाहे वैसे चुनाव करा सकते हैं? सर, इसका हल कहाँ है? इसका हल तो यही है, देखिए सारी ऑपोजिशन पार्टीज इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड कर रही हैं कि आप हमको इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो देखने दीजिए हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को, लेकिन वो उसके लिए भी नहीं तैयार है। इलेक्शन कमीशन तो पूरी अब सरकारी एजेंसी हो गई है, जब जिस दिन ये इसकी सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इलेक्शन कमीशन का चयन सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, और फाइनली उन्होंने आदेश भी दिया कि जिसमें चीफ जस्टिस भी होने चाहिए सिलेक्शन कमिटी में और प्राइम मिनिस्टर के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होना चाहिए, तो उसी समय जैसे ही सुनवाई शुरू हुई एक सीट खाली थी इलेक्शन कमीशन में, उसी समय रातों रात सैटरडे के दिन सारी फाइलें मूव हो जाती हैं। एक मिस्टर अरुण गोयल हैं, उनको एक सेक्रेटरी थे किसी डिपार्टमेंट के ट्राइबल अफेयर्स के या किसके, उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया जाता है, उनका पांच लोगों के नाम या तीन लोगों के नाम लॉ मिनिस्टर अपने हैट से निकालते हैं, प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, प्रधानमंत्री उसी दिन अप्रूव कर देते हैं, उसी दिन उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया जाता है, उसी दिन नोटिफिकेशन भी इशू हो जाता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकारी एजेंसी बनकर रह गई है। तो इसलिए अब या तो अपोजिशन पार्टीज को सीरियसली बोलना होगा कि अगर आप ये भी नहीं करेंगे कि आप मशीन हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को दिखा दें कि भाई इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तब तो फिर हम चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। उनको ये बिल्कुल सीरियस थ्रेट देना होगा सरकार को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, और दूसरी तरफ एक पीपल्स मूवमेंट इस पर खड़ा होना चाहिए। जितना ये लोग ये सब कर रहे हैं, जितना भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं
और ट्विटर को कह रहे हैं कि ये सारी ट्वीट जो है आप उतार दीजिए, उससे और पब्लिक सस्पिशन और बढ़ता जा रहा है। और ये जो मूवमेंट है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, ये मूवमेंट और बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे तो लगता है कि लोगों को भी इस पर एक पीपल्स मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, जो सड़कों पर उतरे हैं लोग, कि भाई ये तो हमारे लोकतंत्र का सवाल है। नहीं, लेकिन सर जो लोग ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं उनको ये लगता है कि नहीं देखिए कांग्रेस भी तो जीत रही है, से फॉर एग्जांपल तेलंगाना में भी कांग्रेस जीती, बाकी राज्यों में बीजेपी जीती, लेकिन एक बड़ा पीपल्स मूवमेंट कैसे खड़ा होगा? पॉलिटिकल पार्टीज खुद इस चीज से बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है। मेरी कितने नेताओं से बात हुई है, कुछ इन पर्सन नेताओं ने कहा कि अरे भाई इस इशू का बहुत ज्यादा रेजोनेंस नहीं है। मैं ये ऑपोजिशन पार्टीज की आपसे बात कर रही हूँ कि कई नेताओं ने ये कहा कि इस इशू का तो रेजोनेंस नहीं है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है। तो कैसे खड़ा होगा सर ये मूवमेंट फिर? ये देखिए, ये तो लोकतंत्र का मामला है, तो जनता को खुद ही खड़ा करना चाहिए। जिस तरह से देखिए धीरे धीरे करके सारे देशों में, बांग्लादेश में भी ईवीएम हटा दी गई, जर्मनी में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आदेश दिया कि हटा दो, यूरोप में ज़्यादातर हटा दिया गया है, अमेरिका में भी ज़्यादातर जगह हटा दी गई हैं, और इसीलिए हटाई गई हैं क्योंकि इनका, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन्स हैं, इनका मैनिपुलेशन किया जा सकता है, तरह तरह से किया जा सकता है, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आप चीज़ें डाल सकते हैं। और यही बात सिटीजंस कमीशन ने भी कही थी। और जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो भाजपा वाले भी यही डिमांड कर रहे थे, सारे मोदी जी और सब लोग ये डिमांड कर रहे थे कि भाई ईवीएम हटाओ और वापस बैलेट पेपर लाओ। जब सत्ता में आ जाते हैं तब फिर ये सब कहने लगते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक बैलेट मशीन पर, हर एक ईवीएम में मैनिपुलेशन डाला जा रहा हो या किया जा रहा हो। ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज को सेलेक्ट कर लें, जहां इनको लगता है कि भाई इनकी 40 से 60% वोट हो सकती हैं, 40 से 50%, और इनको 10% और चाहिए वगैरह वगैरह, वहां पर चुन के कर सकते हैं। हर एक स्टेट में भी ज़रूरी नहीं है कि करें, कुछ स्टेट्स में कर सकते हैं। तो ये तो इनके ऊपर है कि ये लोग कौन से ईवीएम्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि इस तरह का मैनिपुलेशन कोड डाला जाता है। लेकिन प्रशांत सर, जो कोर्ट का रवैया है वो भी थोड़ा सा बड़ा सरप्राइज करता है लोगों को। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया स्टे देने के लिए उस कानून पर जिसमें कि सीजीआई को एक्सक्लूड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसको रिफ्यूज कर दिया है स्टे देने के लिए कि एक्सक्लूडिंग सीजीआई फ्रॉम the panel which was picking CCs and ECs. अब क्या कहेंगे इस पर कि क्या कोर्ट को नजर नहीं आ रहा है कि भाई अगर पक्षपाती सरकार है, पार्शियल है, अपने ढंग से वो चीजें चाह रही है, तो कम से कम कोर्ट को तो कोई संज्ञान लेना चाहिए था। कोर्ट भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सोया हुआ है इस पर। देखिए, स्टे दिया नहीं गया इससे नहीं हम लोग अनुमान लगा सकते, क्योंकि स्टे तो तब दिया जाता है बिकॉज अगर कोई उससे एकदम इमीडिएट हार्म होने वाला हो। यहाँ तो अब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, शायद ये लोग अभी एक साल तक इनमें से कोई भी रिटायर नहीं होने वाला है, तो इसलिए अभी तुरंत उस कानून पर स्टे देना कोई ज़रूरी नहीं था। आप आगे सुनवाई करके सरकार का पक्ष सुनकर फिर तय कर सकते हैं, तो इसलिए उससे नहीं। लेकिन हाँ, हाल में कोर्ट्स का रवैया कई केसेस में ऐसा दिख रहा है जहाँ पर सरकार का ही पक्ष लिया जा रहा है कोर्ट्स के द्वारा, तो इस वजह से लोगों का भी भरोसा न्यायपालिका पर हाल में कम हुआ है। हाल में नहीं, कुछ साल से कम हुआ है। बिल्कुल, कई साल से। सर अब अभी देखिए जो अदानी वाला केस था, अदानी वाले केस में भी जो सवाल सेबी से पूछने चाहिए थे वो कोर्ट ने पूछे ही नहीं। आर्टिकल 370 का आप देख लीजिए फैसला, और उसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि किस तरीके से फैसला सुनाया गया है, और सबको बड़ा ताज्जुब है कि भाई ये कितना अलोकतांत्रिक का फैसला है। कोर्ट्स ने क्या आंखें अपनी बंद कर ली है प्रशांत सर, या फिर कोर्ट चाहती है कि भाई किसी तरीके का क्लैश गवर्नमेंट के साथ लेजिस्लेचर का ना, सॉरी जुडिशरी का ना हो, और क्या वो उस सिचुएशन से भी थोड़ा सा अपने आप को हटा रही है दूर कोर्ट अदालतें? देखिए, कोर्ट की स्वतंत्रता खत्म होने के कई कारण होते हैं। एक तो जैसे हमने इमरजेंसी में भी देखा, उस समय अच्छे अच्छे जजेस सरकार से डर गए,
जब एक बहुत स्ट्रांग फैसिस्ट गवर्नमेंट आपको दिखती है, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट भी दिख रही है, तो फिर अच्छे अच्छे जजेस जो हैं उससे डर जाते हैं और उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहते। दूसरी बात यह होती है कि कई जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट नौकरियां चाहिए होती हैं, किसी को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाना है, किसी को राज्यसभा में जाना है, किसी को गवर्नर बनना है, किसी को और कुछ बनना है वगैरह वगैरह, किसी को और कमीशन में जाना है, ट्राइब्यूनल में जाना है, जिसमें सब में सरकार का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप होता है। कुछ तो चीज़ें सरकार ही खुद दे देती है, जैसे राज्यसभा मेंबरशिप, गवर्नरशिप वगैरह, लेकिन NHRC वगैरह में भी सरकार का हस्तक्षेप होता है, तो इसलिए कुछ लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और एक नया तरीका इस सरकार ने अख्तियार किया है कि सब जजेस के ऊपर डोसियर बना लो, सारी एजेंसीज को कह दो, कहते हैं कि भाई आप इनकी पूरी छानबीन करके, इनके और इनके नज़दीकी रिश्तेदारों की, अगर कुछ भी सरकार को उसमें मिल जाता है, किसी भी कोई भी कमज़ोरी या कमज़ोर नब्ज़ अगर पकड़ लेते हैं, तो फिर उससे फिर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ पॉसिबल है। और चौथी बात तो ये है कि भाई इंडिपेंडेंट जजेस का चयन ही नहीं होने दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि जो जब कोलिजियम इंडिपेंडेंट जजेस को रेकमेंड करता है तो सरकार उस पर बैठी रहती है, नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करती, ये सब हो रहा है। लेकिन प्रशांत सर, जो बिल्किस बानो पे जो फैसला भी आया था, वो क्या बेंच डिफरेंट थी जस्टिस नागरत्ना का जो 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 बेंच थी, क्या वो बेंच डिफरेंट थी? बेंच बड़ी इंडिपेंडेंटली थिंकिंग जजेस थे उसमें, इसलिए इस तरीके का फैसला आया कि एक रे ऑफ होप दिखी? हाँ हाँ, कुछ जजेस अभी भी बहुत स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता इस समय हाशिए पर आ गई है, ऐसा नहीं है। कई जजेस अभी भी बहुत स्वतंत्र हैं और उनके पास जो मामले आते हैं उनको बहुत स्वतंत्र तरीके से डील करते हैं। एक आखिरी सवाल बस सर करूंगी, मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है। प्रशांत सर, जो EVMs पर जिस तरीके से आपके ट्वीट को हटाया गया है, EVMs पे आप सही कह रहे हैं कि एक सिटीजन्स मूवमेंट खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो कब तक खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, वो भी अभी समय की बात है। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए आपको कोई उम्मीद दिखती है? या फिर एक जो अभी सैम पिट्रोडा ने हाल में कहा था कि देखिए EVM से अगर चुनाव होंगे तब तो 2024 में BJP का आंकड़ा 400 से पार होगा, तो क्या यही चीज दिख रही है? अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि EVMs पर कोई सुनवाई कोई करेगा। देखिए, मैं अभी ये नहीं पक्का कह सकता कि EVMs में किस तरह का कितना मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा सस्पिशन अराउज हो गया है इसके बारे में, खासकर सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही है कि भाई ट्विटर को भी कह रही है, सारे सोशल मीडिया कंपनीज को कह रही है कि जो लोग भी EVM को क्वेश्चन करते हैं उनके ट्वीट हटाओ या उसके नीचे वार्निंग दे दो वगैरह वगैरह। सो इससे सस्पिशन और बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर EVM से चुनाव हुआ और मिनिमम जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई कम से कम सारे VVPATs का काउंट कर लीजिए, नहीं तो ये स्लिप्स जो हैं, ये VVPAT की स्लिप्स दे दीजिए, जिससे कि जिनको लोग बैलेट बॉक्स में डाल दें और उनका आप काउंट कर लीजिए। अगर ये सब भी नहीं मानते तब तो सचमुच बहुत संदिग्ध है 2024 का चुनाव। चलिए, खैर, उम्मीद की किरण अभी तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप जैसे लोग मौजूद हैं आज और आज बोल रहे हैं और इसीलिए लोगों को पता भी चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, आप इस समय हमारे साथ जुड़े, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज लॉन्चर पर। थैंक यू।